नेवरगांव कला में दानपात्र सेवा समिति ने बच्चों को पुस्तकें वितरण कर मनाया सावित्रीबाई फूले की जयंती। देश की पहली महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की जयंती पर नेवरगांव कला में आदर्श दानपात्र सेवा समिति के द्वारा बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरण कर मनाया गया। शासकीय माध्यमिक शाला नेवरगांव कला में आदर्श दानपात्र सेवा समिति एवं जन सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को शिक्षक चार्ट स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया गया। उनके अधिकारों, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, स्वास्थ्य, जीवन शैली एवं विशेष तौर पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जी की बारे में उनको और जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों से चर्चा की गई। वहीं समिति के सदस्यों ने कहा कि हमारा उद्देश्य इन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, साथ ही लगनशीलता व नैतिकता का भाव विकसित करना है, क्योंकि शिक्षा बिना सब कुछ अधूरा है। जिसमें कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष राहुल वैद, प्रधान पाठक गजानंद पटले, एचएल उई के प्रलब भोजराज, श्रीमती रजनी शुक्ला, सविता वाहने, वर्षा बागड़े, निर्मला ठाकरे के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदर्श दानपात्र समिति बालाघाट के द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला नेवरगांव कला में कुछ शिक्षाप्रद महत्वपूर्ण चार्ट का वितरण किया गया है। इस अवसर पर आदर्श दानपात्र समिति के सदस्य भाई आदरणीय राहुल जी वैद, इनके द्वारा समस्त छात्रों को शिक्षा प्रद जानकारी दी गई। इस अवसर पर हम इस दानपात्र समिति का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार नेक काम इस समिति द्वारा जो किया जा रहा है, यह बहुत अनुकरणीय कार्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच भैया आए हैं जो यही के रहने वाले हैं नेवरगांव के, इनका जो काम है एक मिसाल देने लायक है ना, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे, इंसानियत का काम कर रहे है ना, तो आप भी कुछ इनसे सीखे। सबको समझ में आ रहा है, कि हमारे स्कूल में पिछले एक दो साल पहले भी आए थे दान समिति वाला की ओर से, बच्चों को पेन कागज दिए थे, पर ये बहुत अलग प्रकार की चीज है जिससे बच्चे कुछ सीखते और कक्षा में लगाएंगे। बच्चे खेलता है, बहुत खेलते हैं, कुछ स्कूल में खेलते हैं, पर इनको विशेष ध्यान से देखे बच्चे कहाँ पर क्या है और क्या लिखा था, उससे बाद ये आपको पड़ेगा या आपको आपको पड़ेगी हमारे समझ में आएगा। इतना अपने दोस्तों।